हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज के व्लॉग में मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था कि कुछ बात थी जो मेरे अंदर चल रही थी, तो मैंने सोचा कि वो आप लोगों को बताया जाए। और मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि आप लोगों से मैं ये बात अपनी शेयर करूँ। कि गाइस, बात ऐसी है कि जब मैं ब्लॉगिंग करने के लिए सोचता हूँ, तो अब ब्लॉगिंग में देखिए, मैं अभी अकेला हूँ, मेरे पास कोई फ्रेंड वगैरह है नहीं इतनी ज़्यादा, ठीक है। और जो फ्रेंड है उनको ज़्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भाई चलो हम आज ब्लॉग शूट करेंगे, भाई चलो आज ये करते हैं वो करते हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ता है यार कि हाँ चलो। और पता है, अगर हम कहीं जाते भी हैं, कहीं दूसरी जगह जाते भी हैं, तो ऐसा होता ना कि हाँ बाइक वाइक चलानी है, तो अब एक बंदे को बाइक चलाना पड़ता ताकि मैं पीछे बैठ करके उस चीज़ को शूट कर लेता हूँ। और अगर चलो मैं चला लिया, तो वो बंदा पीछे से बैठ के कैमरा इधर उधर घुमा करके लोगों को दिखा दिया, ठीक है। अब आजकल के लोग क्या है कि सिंगल बंदे को देखना पसंद नहीं करते। अब मुझे नहीं पता, नहीं मतलब परफेक्ट नहीं कह रहा कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन कुछ हद तक ऐसा है कि हाँ जो लोग हैं वो सिंगल लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि यार हाँ इसके साथ दोस्त वोस्त हो, थोड़ी मौज मस्ती हो। वो तो देखो सबको पसंद है, मेरे को भी है ना, बंदा नई जगह घूमे जाए, अपना पूरा दिखाए। तो सबसे पहले गाइज, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं एक बिगिनर हूँ, मैं अभी स्टार्ट किया हूँ अपना यूट्यूब, और अभी मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मेरा चेहरा भी अभी नया आप लोगों के सामने देख सकते हैं। तो अभी मुझे समय लगेगा कि आप लोग मुझे इस तरीके से जाने पहचाने, ठीक है। तो मुझे अभी मेरे को मेहनत करना है बहुत ज़्यादा, और मुझे इस लायक बनना है कि आप लोग मेरे को पहचानने लगे, एक मेरी एक वैल्यू बन जाए। तो अभी मेरे को वैल्यू नहीं है, अभी मैं कहीं भी ब्लॉगिंग कर लिए जाता हूँ तो मुझे लोगों को थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है कि भाई हाँ हम यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे। अभी मेरे पास जेब में कुछ पैसे वैसे भी नहीं है, लेकिन जो भी थी मेरी पॉकेट मनी थी, मेरी सेविंग्स थी, मैंने उन सब चीज़ों को मिला करके मैंने मतलब छोटी छोटी जगह पर जा करके मैंने खर्च करना सीखा है। मैंने मतलब मैंने लोगों को अच्छा दिखाने की कोशिश की है। अभी मैंने यूट्यूब चालू किया है, मैंने चार चार वीडियो अभी तक डाला है, तो उन पे 70 व्यू है, किसी पे 60 व्यू है, किसी पे 30 व्यू है, तो किसी पे 22 व्यू है। तो अभी तक ऐसे कुछ चार वीडियो मैंने डाल रखे हैं। तो अब यार देख करके ना मेरा भी दिल थोड़ा ना दुखता अंदर से। मैंने कई ब्लॉगिंग की वीडियोस देखे हैं जिन्होंने अभी अपना नया 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 स्टार्टअप किया है, नए नए वीडियो डाले हैं, यार उनके वीडियोस पे ना मतलब 20K 45K अराउंड ऐसे कुछ व्यू आ रहे हैं, ठीक है। तो यार देख करके मुझे दुख होता है कि यार हमने क्या चीज़ की कमी की है उस चीज़ के अंदर, कि हमें क्यों नहीं वो व्यू मिल रहा है। मैं मानता हूँ मैंने बहुत सारे यूट्यूबर से सीख लिया कि यार आप कोई मेहनत करते हो, हाँ हमारे माँ बाप ने भी हमें ये चीज़ सिखाया कि अगर आप कोई चीज़ करते हो तो उस चीज़ को करते रहो, है ना, आपको तुरंत ही एकदम इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। मुझे यूट्यूबरों ने कई ने मतलब बताया, मैंने उनके वीडियोस देखा तो उन्होंने मेरे को बताया, मतलब सभी को बताया कि अगर आप वीडियो डालते हो तो ये नहीं कि आपको तुरंत ही इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, कि आपने कोई वीडियो डाला हो उस पर आपको 50K 60K है ना, 1 लाख व्यू, 1 मिलियन, ऐसा कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन 60-70 व्यू देकर भी ना थोड़ा दिल अंदर से होता है, चलो कोई नहीं 60-70 लोगों ने देखा है मेरा वीडियो, चीज़ की मुझे खुशी है, ठीक है। लेकिन कई लोग हैं जिनके अच्छे खासे व्यू हैं, जिन्होंने फर्स्ट ही वीडियो डाला उनमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। तो मैं सोचता हूँ पता है क्या, कि अपन ने क्या चीज़ की कमी की, या तो अपने अपने अपना कंटेंट अच्छा नहीं बनाया, या फिर अपन ने कोई टाइटल अच्छा नहीं डाला, अपने ने थंबनेल अच्छा नहीं बनाया, डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं दिया, या टैग अच्छा नहीं डाला। तो इन सब चीज़ों की ना मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है कि अपन ने क्या चीज़ की कमी की है। मैं वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ, है ना, और अपने जो क्रिएटर स्टूडियोज़ में जा करके मैं उन सब चीज़ों में थोड़े चेंज वेंज करते रहता हूँ, लेकिन फिर भी मतलब वो तगड़ा वाला रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ये चीज़ सिखाया कि तू मेहनत करता जा, मेहनत करेगा तो फिर सफलता मिलेगा, थोड़ा आराम से मिलेगा लेकिन अच्छा मिलेगा। कहते हैं ना कि जो लोग जल्दी उठते हैं वो जल्दी गिरते भी हैं। मैं भले आराम से ग्रो हूँ वो सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं एक एक लगातार मैं चलता जाऊँ अपने रास्ते पे, ठीक है, मेरी एक एक वैल्यू बनी रहे। मैं नहीं चाहता कि जल्दी से ऊपर उड़ जाऊं और जल्दी से नीचे गिर जाऊं, मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे उठूं, लेकिन ऐसा उठूं कि मैं दोबारा पीछे ना देख घूम के देख सकूं, ठीक है। तो बस यही चीज़ थी। और मैं कई लोगों से बातचीत भी करता हूं, लोगों को कहता हूं कि यार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। देखो ये सब चीज़ मेरे को ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम किसी से ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। एक मिनट गाइज, मैंने अपनी लाइफ में ना मतलब सोचा कि बहुत कुछ करेंगे यार, ये करेंगे वो करेंगे, है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अपने पास एक तो पैसा नहीं है लगाने को, और जो कुछ पैसे हैं फिर वो भी बहुत रिस्क पर रहते हैं। लेकिन मैंने इस बार मैंने कोशिश किया है कि मैंने अपने ही सेविंग से मैंने ट्राईपोड ख़रीदा है, क्योंकि मैंने ये चीज़ सोचा कि यार अपने को करना है कुछ। मेरे को शुरू से यूट्यूब में इंटरेस्ट रहा है, मैं वीडियो बना लेता हूँ, मैं उसको एडिट कर लेता हूँ, डालना मुझे आता है,
बस डालते समय जो क्या प्रोसेसिंग है उसमें थोड़ी कमी है, तो वो भी चीज़ सुधार लेंगे। बस सपोर्ट चाहिए, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि आप लोग मेरे साथ रहें यार, आप मुझे देखें मेरे में जो कमी है, आप मुझे बताएं कि हाँ आप ये चीज़ की कमी कर रहे हो, या आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे वो चीज़ देख करके अच्छा लगे कि हाँ लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि मैं उस चीज़ में थोड़ा और भी ज़्यादा डेवलपमेंट करूँ, है ना, उस चीज़ में थोड़ा सुधार करूँ और आप लोगों के सामने एक अच्छा व्यू मतलब दूँ। अभी मुझे जो चाहिए वो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, जो मेरी कमियाँ हैं वो मुझे बताएं, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और YouTube भी एक ऐसा है जिसमें मैंने सोचा कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है ना, मेरे पास कुछ पैसे थे भी जो मैंने कुछ कुछ चीज़ लेने की कोशिश की है। मेरे पास एक फ़ोन है जिसका कैमरा ठीक ठाक है, एक अच्छा है, और एक मैंने ट्राईपोड लिया अभी रिसेंटली छोटा सा, जिससे मैं ये अभी खड़ा करके मैं जैसे इसको बना रहा हूँ वीडियो। तो बस मैंने ये सब कुछ चीज़ें खरीदी है, मेरे पास कोई गोप्रो वगैरह कोई कैमरा वगैरह कुछ नहीं है। पर्सनली अगर गोप्रो होता तो मैं शायद खुद ही वीडियो शूट कर लेता आपको ट्रेवलिंग के, लेकिन अभी मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि एक तो सेविंग्स नहीं है मेरे पास, दूसरा मेरे पास क्या है ना कि अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो घर वालों को भी चीज़ के लिए बिलीव नहीं होता कि यार हाँ लड़का कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन जब वो कर लेता है ना तो घर वाले को विश्वास हो जाता है कि हाँ लड़का कर रहा है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ ना कि मैं आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं आप लोगों की वजह से मैं कुछ बनूँ, और इस पैसे से मैं और भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ, इन पैसों को इसी में लगाऊँ और कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ, आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट दूँ आपको। बस यही मेरी इच्छा थी और मैं इतनी बातें आपको बताना चाहा। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि हाँ मैं कोई इतना ज़्यादा फेमस यूट्यूबर भी नहीं हूँ जैसे कोई सौरभ जोशी, मुंबई का निखिल, फ्लाइंग बीस्ट वगैरह तो हूँ नहीं कि आप लोग मुझे डेली मतलब देखोगे और इसी तरीके से देखोगे, मेरा पूरा वीडियो देखोगे। अभी नया चेहरा है, मैं मानता हूँ मेरा स्ट्रगल टाइम है, मैं मेहनत करूँगा, बस जो कमी हो आप मुझे बताएं, उस चीज़ में मैं सुधार करूँगा। और आप लोग सबसे बड़ी बात मेरे लिए है कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करें, आप लोग सपोर्ट करोगे तो आप लोगों के सपोर्ट से मैं बहुत आगे जाऊँगा, बहुत अच्छा करूँगा। तो बस ये थी मेरी कुछ दिल की बात जो मैं कहना चाह रहा था, और बस इतना ही कुछ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, और बस इसी तरह आप लोगों के लिए नए नए व्लॉग सुनाते रहेंगे, नई नई जगह जाते रहेंगे, दोस्त लोग के साथ घूमते फिरते रहेंगे और आप लोगों को फुल एंटरटेन करते रहेंगे। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, जय हिंद, वंदे मातरम।